बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है, ऐसे में दो राउंड हो चुके हैं, मैंने आपको कल बताया था कि तीन राउंड होंगे, चार चार लोगों की तीन टीम बनेगी और उसके बाद जो है तीन डिजर्विंग कैंडिडेट निकल कर आएंगे। पहला राउंड कल हुआ था जिसमें निक्की, कश्मीरा, अर्शी और राखी थे और राखी सावंत बनी थी विनर। आज राउंड टू हुआ जिसमें अली, एजाज, अभिनव और मनु पंजाबी थे, तो उसमें जो है अली गोनी विनर बन गए हैं। अब तीसरा राउंड जो है थोड़ी देर में शुरू होगा या फिर कल होगा, जिसमें जो बाकी बचे हुए कॉन्टेस्टेंट हैं वो रहेंगे। तो अभी तक राखी, अली गोनी, ये दो जो है कैंडिडेट्स निकल कर आए हैं कैप्टेंसी के टास्क के लिए। तो राउंड वन में राखी जीती, राउंड टू में अली गोनी जीते। वहीं मैंने आज आपको बताया था कि पांच कैंडिडेट जो हैं नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कैप्टन बनेगा शायद उसके पास इस बात का अधिकार हो कि वो किसी एक सदस्य को इम्यून कर सके। तो ऐसे में देखना होगा कि ये तीन जो निकल कर आते हैं राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में, जिसमें राखी अली आ चुके हैं, तीसरा राउंड अभी बाकी है, तो उसमें कौन जो है विनर बनता है और तीनों में से फिर कोई एक बनेगा कैप्टन। आप सभी जानते हैं कि डकलिंग टास्क चल रहा है और किस तरीके से कल राखी, निक्की इन सबकी लड़ाई हुई। इवन आज लाइव फीड में हमने देखा कि चेयर्स तक एक दूसरे पर इन दोनों ने फेंकी हैं, और आज जब ये सेकेंड राउंड हो रहा था तब जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है एजाज, अली, अभिनव, मनु इन सभी की, और राहुल वैद्य ने जाके जो है इसमें इंटरफेयर किया है, लोगों को दूर किया कि लड़ो मत, लड़ो मत। कल जो है निक्की की लड़ाई हुई थी, कश्मीरा ने उसके पेट पर लात मारी थी, निक्की ने बोला राखी ने मुझे गालियां दी हैं। तो अब दो राउंड हो चुके हैं जिसमें पहले में राखी और दूसरे में अली गोनी जो हैं जीते हैं।